नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। नीट यानी कि मेडिकल गेटवे, जिसका रिजल्ट पर सवाल और बवाल बढ़ता जा रहा है। देश के हर हिस्से में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध की आवाज सुनाई दे रही है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि नीट की परीक्षा रद्द की जाए, काउंसलिंग को रोका जाए, मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए। छात्रों का आरोप है कि नीट की परीक्षा और रिजल्ट में धांधली हुई है। लेकिन परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने गड़बड़ी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि एनटीए ने रिजल्ट की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है और एनटीए इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे का फैसला करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या धांधली के आरोपों के बाद नीट की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? आज इन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच जाकर उनसे राय जानने की कोशिश की, उसको आपको भी बताएंगे। कई सारे लोग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, उनके पास में आपको लिए चलूंगा और उनकी जुबानी में आपको सुनवाऊंगा कि नीट का जो एग्जाम हुआ है वो क्या वाकई नीट एंड क्लीन है या फिर उसमें खेल है। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपके सामने है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। रिजल्ट के बाद से ही मेडिकल फील्ड में खलबली मची हुई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाला संगठन एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सवालों के कटघरे में है। एनटीए के विरोध में राजधानी दिल्ली समेत देश भर के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्रों ने नीट के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया है और नीट एग्जाम को रद्द कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की है। एनटीए अपना वो जो आपने बयान प्रदूष नहीं किया था, जब तक आपको काउंसलिंग पर रोक लगानी चाहिए। यस सर। आपका क्या नाम? विकास। रहने वाले हैं? हर्ष विहार, दिल्ली। इस बार कितना आया है? 629। पिछली बार दिया था परीक्षा, तो पिछली बार कितना आया था? 494। इस बार क्या कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पाएगा सर, इतनी रैंक इन्फ्लेशन इतनी हुई है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर हमें उम्मीद थी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बट अब वो उम्मीद खत्म हो गई है रिजल्ट के बाद। 718-19 मार्क्स आए तो ये उसमें आगे है नोटिस में, नहीं तो पहले भी हुआ होगा तो उसमें नोटिस में नहीं आए हैं। कितने मार्क्स आए आपके इस बार? मेरे 643 मार्क्स आए हैं, उसमें मेरी 35,000 रैंक बन गई है, उसमें कॉलेज मिलना मुश्किल है। नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के बाद छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट की तैयारी करने वाले छात्रों ने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ओएमआर ही उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने फाड़, बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। नीट रिजल्ट में धांधली के बाद देश के दूसरे शहरों में छात्रों का गुस्सा आसमान पर है। शिक्षा नगरी कोटा समेत लखनऊ, पटना, भोपाल समेत सभी शहरों में मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचर का भी टेंशन होने लगता है, आपको तैयारी कराएं कि ना कराएं या कहीं किसी कोर्स में एडमिशन दिलाया जाए। और रही बात फ्रॉड की, तो बहुत मास लेवल पर ये चीज़ें फ्रॉड हुआ है। जो एम्स की रैंकिंग पहले आती थी, मतलब टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पे आती थी, आज अगर ऐसे फ्रॉड डॉक्टर जाएंगे जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और हमारे देश के प्रेसिडेंट वहाँ भी एडमिट होते हैं उस एम्स में, तो सोचिए हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका क्या होगा, वो भी तो वहाँ जाके एडमिट होंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। इसको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, हमको रीनीट कराना है।
नीट रिजल्ट के बाद जहां छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है, वहीं नीट एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए गड़बड़ी की बात को सिरे से खारिज कर रही है। नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों के सवालों पर एनटीए बाकायदा सफाई दे रही है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के रिजल्ट को लेकर एनटीए के चेयरमैन की अध्यक्षता में ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है, लेकिन छात्र एनटीए की सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी अध्यक्षता में, वो इनको पूरा इसको देखेगी और जो ये इशूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए लाखों बच्चे नीट जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम क्रैक करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नीट रिजल्ट में गड़बड़ी से इन बच्चों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि डॉक्टर बनने का सपना संजोए इन बच्चों को कब इंसाफ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सड़कों पर हंगामा चल रहा है, सड़कों पर स्टूडेंट मौजूद है, और नीट की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन विसंगतियों का जिक्र किया गया है, उन विसंगतियों के जरिए एक कमेटी बना दी गई। कमेटी इस पर जांच की बात कर रही है। जांच कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा नहीं पता। इस बीच तमाम सारे लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए। अब हाई कोर्ट की सारी याचिका सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी। कल तारीख है, इसके बाद फिर एक और तारीख है, फिर इसके बाद एक और तारीख है, और सनी देओल का वो बयान कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, परिणाम कब निकल कर आएगा। 23 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। आपको पता है नीट का एग्जाम देने वाला कोई 5 सितारा होटलों में बैठने वाला नहीं है, रिक्शे वाले का बच्चा, वो बच्चा जो किसान का बच्चा है। अगर एक बार किसान का परिवार बीमार हो जाए और एक बार अगर वो अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर में भेज देता है तो न जाने कितने सालों के लिए वो कर्जदार हो जाता है। एक बार एग्जाम देने के बाद अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो पूरे परिवार में मातम छा जाता है। उसके पास बस 1 साल ही होता है, 2 साल ही होते हैं, और कैसे कैसे गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से, दूर दराज के इलाकों से शहरों में भेजते हैं, कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं कि बेटा बस पढ़ जाओ, हमारी तरह तुम रिक्शा मत चलाओ, हमारी तरह तुम कोले की खदान में काम मत करो, हमारी तरह तुम मजदूरी मत करो, वरना तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। वो पढ़ते हैं, वो मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद वो एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी आता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये रिजल्ट कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है। ऐसे में खबर आती है कि नीट अब नीट एंड क्लीन नहीं रहा है, विसंगतियां हुई हैं, खेल हुआ है, और जब बात हद से बढ़ जाती है तो लंबे समय बाद कानों में गूंज सुनाई देती है। कमेटी बनती है, फिर बात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, और कहा जाता है कि अध्ययन किया जा रहा है, गलती कहां हुई, और उसके बाद कुछ सेंटर्स की बात निकल कर आती है, ग्रेस मार्क्स की बात निकल कर आती है कि गलती यहां हुई, और 1600 बच्चों को चिन्हित किया जाता है कि हम इनकी जांच कराएंगे। ये वो मुद्दा है जो देश का हर व्यक्ति पूछना चाहता है। वो देश के नौनिहाल बच्चे जो ना जाने कितनी रातों को जाग कर इसकी पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। हमने ना जाने ऐसी कितनी खबरें सुनी, डिप्रेशन में, हताशा में युवा आत्महत्या कर लेते हैं, अभी हाल ही में खबर आई। लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटती, देश के शिक्षा मंत्रालय से कोई जवाब नहीं आता है,
देश के शिक्षा मंत्री अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहते हैं। चाहे सड़कों पर युवा दौड़ रहा हो, टूट रहा हो, रो रहा हो और देश का मीडिया सवाल पूछ रहा है, लेकिन हमने सवाल पूछे, कई सारे सवालों को लेकर हम गए हैं और जो सवाल लेकर गए उस पर लोगों की राय भी जानी है। वो सवाल क्या है आप गौर से सुनिए। पहला सवाल जो हमने देश के लोगों से पूछा कि क्या नीट यूजी 2024 की परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। 89% लोगों ने कहा, 10% लोगों ने कहा ना और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये सवाल की राय। मेरे साथ तमाम सारे मेहमान हैं, मैं आपको उनके पास लिए चलता हूं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। चारू माथुर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी, को फाउंडर डायरेक्टर एलएन इंस्टीट्यूट कोटा, हर्ष दुबे जो कि नीट स्टूडेंट हैं, इसके साथ साथ और भी मेहमान हैं, संस्कृति जो कि नीट स्टूडेंट हैं, कई सारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं और उन्हीं की जुबानी से मांगा कि आखिर स्थिति क्या है, वो आपको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या समझते हैं। तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको उनके पास ले सकता हूं। ये वो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपने सुनहरे भविष्य की, ये वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर है क्या। तमाम सारे लोग महेश्वरी साहब हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछूंगा क्योंकि देश जानना चाहता है कि सरकार क्यों चुप है, सरकार का अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। सारी चीजें एनटीए दे रहा, अगर जरा सी कोई बात जिसका वोटों पर असर पड़े, जरा सी बात जिसका सरकार पर असर पड़े, सरकार सड़कों पर उतर आती है। कुवैत में अगर परेशानी भारतीयों को हो रही है तो देश के विदेश मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां 24 लाख, करीब 24 लाख बच्चों की बात है, शिक्षा मंत्री का जवाब अब तक कोई नहीं आ पाया। महेश्वरी साहब, देश आपको देख रहा है, देश जानना चाहता है कि आखिर इसमें खेला हुआ है नहीं हुआ, इसमें वाकई बच्चों के साथ धोखा हुआ है नहीं हुआ, और अगर बच्चों के साथ धोखा हुआ है तो अब तक सरकार ने बात क्यों नहीं हुआ, धोखा किन मुद्दों के जरूर विस्तार से बताएं। बहुत सिंपल सी बात है, ये एग्जाम है टॉप और कट ऑफ के बीच में। हर बच्चा टॉपर चाहता भी नहीं, हर बच्चा अपना सिलेक्शन चाहता है, उसको मालूम ऑल इंडिया कोटा और स्टेट मेडिकल कोटा से उसको कहाँ तक अपने लिए इस स्कोर पे सिलेक्शन मिल जाएगा, रैंक के हिसाब से उसको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। जनरली ये 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, हमेशा इसका कट ऑफ 595, 598, 605, 610, जैसे लास्ट टाइम 610 गया, हमें मालूम था 615 प्लस माइनस 5 जाएगा इस बार, हमें मैक्सिमम 620 कह दो या वापस 610 कह दो, इतनी सी बात है। लेकिन ये 720 कैसे पहुंच गए? अरे सर, सीधी सी बात है, ये कह रहे हमने स्कोर रिवाइज करके -20 से 720 पहुंचा दिया, और दो ऐसे असंभव स्कोर आए जो कभी आ ही नहीं सकते, 718, 719, उससे तो मालूम पड़ा कुछ और बात है। क्या इसमें भी माफिया आ गया? मैं माफिया की बात नहीं, मुझे माफ करे जी। अभी इतनी सी बात करूंगा, सीधा डेटा एनालिसिस बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इस बार बच्चे बैठे सबको मालूम है 23,33,297, 23,33,297 बच्चे बैठे हैं, गौर से सुनिए माहेश्वरी जी क्या कह रहे हैं, और 2023 में बैठे 20,38,596, लगभग 3 लाख का डिफरेंस है, राइट। लास्ट टाइम भी 2 लाख बढ़े थे, इस बार भी 3 लाख बढ़ गए, क्योंकि एनटीए कह रहा है कि 16% की वृद्धि। अरे वो सब बात अपन क्यों निकाले परसेंटेज, सीधी बात करें ना, मैं कुछ सिंपल सीधी बात कर रहा हूँ। अब एक लेते रेंज जिसके अंदर टॉप और कट ऑफ हो जाता है, टॉप तो क्या 720, ये कितना 620, पहले 720 की बात कर लेते हैं। 2020 में 2 बच्चों के 720 आए, 2021 में 3 बच्चों के आए, 2022 में क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया तो किसी के नहीं आए, 716 पे टॉप हो गया, और 2023 में फिर आपके इसमें 2 बच्चों के आए, 2, 3, 5, 2, 7, 4 साल में अभी तक केवल 7 बच्चों के जुड़कर 4 साल के रिजल्ट में 720 आए हैं, तो इस बार एकदम 67 बच्चों के 720 कैसे आ सकते हैं। चलो उसको अपन बाद में सोचेंगे, उसके ब्रेक को बाद में समझेंगे, हम तो देख रहे हैं कट ऑफ क्या, हर बच्चा टॉपर नहीं बनना चाहता, उसको अपना मेडिकल कॉलेज चाहिए उसको, तो बस उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करता है कि मैं इस रेंज पर आ जाऊंगा मेरे को मिल जाएगा। ठीक, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर 620 से 720, 2023 में इसमें 13,111 बच्चे थे सिलेक्शन, 620 से 720 इस पार ले रहा हूँ, उस ब्रैकेट में 13,111 थे, बाकी 620 से 610 में एक्स्ट्रा जो बच्चे जो पहुंच गए कहाँ, आपका 23,000 के हिसाब से बंद हो गया, तो 13 आगे 10,000 बच्चे जोड़ लो। ठीक, अब आगे चलिए, ये परसेंट बनता है टोटल अटेम्प्ट का 0.6%। आप मेरी कैलकुलेशन विश्वास तो करोगे ना, वरना मैं भी कर दूं सामने सामने। नहीं, देश कर रहा है, बोलिए आप। इसके बाद 2024 की बात करें, वही 2024 में इसी रेंज में 620 से 720 में बच्चे हो गए 58,263, यही खेला हो गया, यहाँ पे ये हो गया परसेंटेज जितने बच्चे बैठे, और हमने इस रेंज में जो बोला 2.5%।
अगर हम उसको 0.6 इसको 2.5 बोले, लगभग 4-4.5 गुना हो गया। इसका मतलब 400 से 500% के बीच में यहां पे इस रेंज के बच्चों में बढ़ गया कंपटीशन। हर जगह बढ़ना चाहिए, अब जरा देखना नीचे आप। ये बड़ी बात है कि अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो हर जगह क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस ब्रैकेट में क्यों बढ़ रहा है, क्या यह किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, क्या यह संगठित अपराध था, क्या इसमें एक गठजोड़ था जो दिखाई दे रहा है, आप बताएं। देखिए सर, वैसे तो गुरुजी ने सारी बातें क्लियर ही कर दी हैं। मैं भी एक अध्यापक हूँ, मुझे एक छोटा सा रूल पता है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी में जाओगे दो ही चीजें हैं। एनटीए के अनुसार हमने ग्रेस मार्किंग दी, ग्रेस मार्किंग 1500 लगभग बच्चों को दिए हैं, 24 लाख का 1500% निकालेंगे तो 0.065% आता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आती है वो है पेपर लीक, और यही है सच्चाई, यही है सच्चाई। और पेपर लीक जब होता है तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हम गंभीरता से देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद एक कमेटी बनती है और उसके बाद सरकार सो जाती है। और ऐसा देश का कोई राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक नहीं हो रहा है। इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है और अब तक सरकार का कोई निरीक्षण नहीं है। आयशा से एक सवाल और पूछूंगा, उसके बाद जो हमने सवाल पूछे उस पर चर्चा करूंगा। आयशा, क्या कहती हैं आप इस तरह की परिस्थितियों को देखकर? इस तरह की परिस्थिति को देखकर मैं ये कहूँगी कि जिस मोटिवेशन से, जिस डेडिकेशन से हम अपनी 11th में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं अपनी नीट के लिए, हम अपने सपने के लिए, जो हम, मेरे बोथ पेरेंट्स आर डॉक्टर्स एंड वो मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं कि मैं कर सकती हूँ, बट ऐसी स्थितियाँ देख के ऐसा लगता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज जो बच्चे हैं जिनके 720 भी आ रहे हैं उनको भी आई डोंट थिंक एम्स दिल्ली तक भी मिलेगा, विच इज़ इंडिया का बेस्ट कॉलेज। एंड अगर उनको एम्स तक नहीं मिल सकता है एंड जिनके बच्चे, जिनके बेली 650 या 680 वो अपना बेस्ट दे के लाते हैं तो फिर उनका क्या होगा? अब आप सोचिए, ऐसे बच्चे, यानी कि मुन्ना भाई, आपने फिल्म देखी है ना संजय दत्त की, अगर मुन्ना भाई MBBS अगर एम्स में पहुंच गए तो क्या होगा, आप सोचिए। जादू की झप्पी लगेगी, और जादू की झप्पी होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देश के लोगों के साथ, क्योंकि वहां तो जनाब प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सांसदों से लेकर हर कोई लाइन में खड़ा होता है। और जब जादू की झप्पी होगी तो फिर जो मुन्ना भाई पहुंच गए हैं वो आपके स्वास्थ्य से कैसी पप्पी लेंगे? गंभीरता की बात, ये एक बड़ा सवाल है। और ये जो बड़ा सवाल है पूरा देश इस बात को लेकर पूछ रहा है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल क्या कहता है इसे गौर से सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि नीट UG 2024 के दौरान धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि तो पूरी चर्चा देश में इस बात को लेकर चल रही है। 89% लोग इस मामले में कह रहे थे कि हाँ धोखाधड़ी हुई है, सरकार नहीं मान रही, अभी कोर्ट में तारीख पर तारीख चल रही है, लेकिन 89% लोग कह रहे थे हाँ हुई है, 8% लोग कह रहे नहीं हुई है, और 3% इस मसले पर कुछ भी कहने नहीं चाहते, यानी कि चुप है। तो चुप कौन है? तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ, उनके पास चलाऊंगा। लेकिन एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने लोगों से पूछा और लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। वो सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नीट विवाद का सच लाने के लिए जांच होनी चाहिए? 95% लोगों ने कहा हाँ जांच होनी चाहिए, 4% ने कहा नहीं होनी चाहिए, और 1% कह नहीं सकते। अगर यह घटना किसी विपक्षी पार्टियों की सरकार में हो रही होती तो अभी तक कौन कौन सी एजेंसी पहुंच चुकी होती? लेकिन यह NTA जांच की बात कर रहा है। NTA ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में ही NTA के ही लोग मौजूद हैं। वो पूर्व UPSC के चेयरमैन रहे हैं प्रदीप जोशी, लेकिन जो अभी NTA में है वही इसकी जांच करेंगे, यानी कि जिसकी कमियां हैं, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है, वही खान साहब जांच कर रहा है। ये जो जांच रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट कितनी सही होगी बताइए आप? देखिए, कहना तो मुश्किल है क्योंकि अभी हमारी बिंद्रा सर से बात हुई थी जी, तो हमें कुछ ऐसा लगा शायद वो इसके फेवर में बोल रहे थे। अब ये तो खैर वही जाने उनके पास क्या डाटा है, उन्होंने क्या देखा क्या सुना। लेकिन अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे, जैसे सर ने बताया, सब कुछ बताया, तो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी जांच पूरी तरीके से हो, और जांच होने के बाद जब इसमें कमियां निकली उसका एग्जाम दोबारा कराया जाए। जिससे मतलब आपका ये कहना है कि मुन्ना भाई नहीं पहुंचना चाहिए? जाहिर सी बात है सर, ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत प्रीशियस
चीज़ है, प्रीशियस थिंग है ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर अगर आप किसी अनदेखे को या अनजाने को या किसी ना समझ को छोड़ देंगे तो उसे बॉडी को खराब ही करेगा, ठीक तो करेगा नहीं। ज्योति जी, आपको लगता है, क्योंकि अब तो ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और कल भी एक इस मामले पर सुनवाई है, आगे भी इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन ये जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, इन परिस्थितियों के मद्देनजर आपको लगता है कि चीजें साफ होंगी? जो भी रिपोर्ट आए, रिपोर्ट सही आए, रिपोर्ट गलत आए, या इसमें तमाम सारी चीजें दिखाई दो, लेकिन आपको लगता है कि क्या जो स्थिति परिस्थिति रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी? सर, जो टीम बिठाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कहीं ना कहीं वो एनटीए से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरी सरकार से ये दरखास्त है 24 लाख बच्चों की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से, कि जो भी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए वो एक ट्रस्टेड और एक ट्रांसपेरेंट और एक न्यूक्लियर एजेंसी से कराई जाए, ताकि इसका सच सामने आए। और इतने सारे लोगों का जो हाँ में जवाब आ रहा है कि हाँ धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्किंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए, 95% लोगों की इसमें हाँ है, उसके बाद में भी सर कोई भी डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब क्यों आया कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगेगी? अगर काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो गई, देखिए रायता इतना फैल चुका है कि अब रिपोर्ट कुछ भी आए, 24 लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं, गलत बोल रहा हूं, 24 लाख बच्चे से जुड़े हुए हैं, आप कुछ भी रिपोर्ट दे लीजिए, ये मामला थमने नहीं वाला है। अब सवाल हुआ कि एजेंसी जांच कर ले, व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, सीबीआई ने उसकी जांच की, और वही सीबीआई जिसने जांच की, कई लोगों को क्लीन चिट दे दी। अभी मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच चल रही है, पता चला कि उसमें सीबीआई के तमाम अधिकारी उन नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल मान चुके थे, रिपोर्ट दे चुके थे, 15 कॉलेज कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं है। ये सीबीआई ने रिपोर्ट दी है, किस पर भरोसा करेंगे भैया, किस पर भरोसा करेंगे? आप तो देश के युवा हैं और युवा भविष्य होता है, किस पर भरोसा करेंगे? भरोसा होता है? मेरे को एनटीए पे पूरा ट्रस्ट था। मैं एग्जाम देके जब निकला, मैंने मतलब आंसर मैच करने के लिए यूट्यूब खोला, तो उसमें मेरे को सबसे पहले दिखा कि पेपर लीक हो गया। फिर एनटीए का नोटिस आता है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर वहीं मैं दूसरा वीडियो देखता हूँ कि पटना में उन्होंने अरेस्ट करा उनको, ठीक है, फिर भी मेरे को इतना वो नहीं हुआ। फिर हम ये ग्रेस मार्क्स वाला देखते हैं, फिर एनटीए जस्टिफिकेशन देता है कि हमने वो 718 और 719 जो नंबर आए हैं, हमने वो ग्रेस मार्क्स के लिए दे दिए, ठीक है। फिर हम सब ने क्वेश्चन करा कि भाई तुमने कितने बच्चों को दिए ग्रेस मार्क्स? सर वो अपने नोटिस में निकालते हैं 1563 बच्चे। सर ठीक है, मेरे को ट्रस्ट हो गया एनटीए पे कि हाँ 1563 बच्चों को उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। बट सर मैंने एनटीए चेयरमैन का इंटरव्यू देखा, वो उसमें 1600 बच्चे बोल रहे हैं, 37 बच्चों का तो यहीं पे घोटाला हो गया। आपकी आंखें लाल हैं, ईमानदारी से बताना कितने घंटे पढ़ाई की? सर कभी कभी तो 4-4, 5-5 घंटे सोते थे हम। मतलब इतने घंटे पढ़ाई की, क्या मतलब क्या ख्वाब रहा होगा इतने घंटे पढ़ते? सर यही के सर मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था ये, पिछले 3 साल से जो फेलियर मिलता है हमें, हम उसको ओवरकम करते, एक अंदर एक सेल्फ डाउट आता है हमारे अंदर भी, हम उससे ओवरकम करते हैं, मोटिवेट होते हैं, टीचर्स को सुनते हैं। मेरे केमिस्ट्री मेंटर हैं ये, मैं मेरे को जब भी थोड़ा सा सेल्फ डाउट होता है मैं इनके पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ, उसी से मोटिवेट होके इस बार मेरे को था कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम दिया, ये सिर्फ मेरे मम्मी और पापा को पता था, पूरी फैमिली में किसी को नहीं पता था, मेरा ये था कि मैं सबको सरप्राइज दूंगा। और सर रैंक इन्फ्लेमेशन से, सर जैसे सर ने बोला कि प्रोबेबिलिटी 0.065% की बनती है प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपने इतनों को ग्रेस मार्क्स दिया है तो उसमें इतना तो इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए। क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन, जिन्होंने अपनी रातें, अपना दिन, ना जाने कितने घंटे पढ़ाई की, 4-5 घंटे सोए, चौथा अटेम्प्ट, चौथी बार एग्जाम दिया है, और जब पता चला कि पेपर आउट हो गया, और परिस्थितियां ऐसी हैं, रोहन जैसे ना जाने कितने युवा इस देश में रो रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का एक घंटा, एक दिन, एक साल बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकारों को इस बात की चिंता नहीं। अरे आप सीमाओं की रक्षा की बात करते हो, आप दूसरे देशों से सुरक्षित होने की बात करते हो, आपका जो शिक्षा सिस्टम है, जो देश के युवाओं का भविष्य है, वो सुरक्षित नहीं है। किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी मध्य प्रदेश में होता है, कभी उत्तर प्रदेश में होता है, यही हाथ एग्जाम का है।
चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, और यही हाल नौकरियों का है कि पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, बड़ा सिस्टम है, बड़े लोग जुड़े हुए, मानव श्रृंखला है, लेकिन मानव श्रृंखला के साथ साथ यह गलती भी तो नहीं होनी चाहिए। फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। हम चांद पर पहुंच गए जनाब, हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या आप राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए दोबारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं? 28% लोगों ने कहा कि संतुष्ट है, 64% लोगों ने कहा कि संतुष्ट नहीं है, और 8% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। कुछ और भी लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, तमाम सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है, भरोसा है? नो सर, भरोसा नहीं होगा तो कैसे होगा? एनटीए पे भरोसा नहीं है। एनटीए पे भरोसा नहीं, एजेंसी कोई और और होनी चाहिए। यस। कैसे एग्जाम सर? जैसे सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं पहले, उसी के आधार पे होते हैं। जी सर, तो वो ज्यादा बेटर थे एज कम्पेयर टू आजकल जो चल रहा है। आप क्या कहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि एनटीए को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे ग्रेस मार्क्स देके जो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, सेल्फ स्टडी करके इतनी मेहनत से नंबर लेके आते हैं, और उनके बाद जो नई पढ़ाई करते, जैसे पेपर लीक हुआ और उस वजह से जो ग्रेस मार्क्स देके उनका अच्छी रैंक दी गई है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से तो जो देश का भविष्य है वो तो फिर खतरे में है ना, क्योंकि जो बच्चे पैशन से पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का खुद से, अगर जैसे पैशन है बच्चे के पास, उसे अब ड्रीम कॉलेज नहीं मिल सकता उसको, तो इस हिसाब से तो फिर देश का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में, कुछ नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ा खेल, बिल्कुल पूरा देश आवाज सुन रहा है जनाब, आपकी आवाज क्यों नहीं आएगा? सबसे बड़ा खेल ये है, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जनाब जिनका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ना दक्षिण में, महाराष्ट्र में या जहां भी है, इतनी तरक्की है कि कोई सोच नहीं सकता, बहुत कमाई, जब डोनेशन की सीट मिलती है तो क्या होता है। महेश्वरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये पूरा खेल सरकारी सीट और प्राइवेट सीट का? कुछ शक का एक अंदेशा भी लग रहा है, संभावना भी लग रही है, क्योंकि जो यहाँ पर 620 से 720 के बीच की सीट है, लगभग 58,000, क्योंकि हर बार मेडिकल कॉलेज भी खुलते सीट भी बढ़ती है, तो उसी के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, और प्राइवेट में हम जानते हैं कि फीस के हिसाब से 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक जाती है, तो कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन अभी हमारा इतना सा बस है, मैं यहाँ पैसा इन्वॉल्व उसकी बात नहीं करूँगा, इतना सा बोलूँगा कि जो भी यहाँ पर है डाउटफुल पूरा है, दिख रहा है, क्योंकि 620 से 720 के अंदर इन बच्चों को ले आए जो 58,000 मेडिकल कॉलेज को बढ़ा। अब जिन बातों का जिक्र नीट कर रहा है, वो कह रहा है कि 1600 बच्चों के आसपास है, इन्होंने करेक्शन किया कि वो 1500 कुछ हैं, 1600 बच्चों के आसपास हैं, एक सेंटर्स के लोग हैं, उनका कहना है, ये भी जानकारी आ रही है कि जनाब वो सब, उनका सरनेम भी एक ही है, हो सकता है? नहीं सर, थोड़ी बात ऐसे नहीं, सरनेम नहीं, उनका सरनेम लिखा ही नहीं है जी, पहली बात उनका सरनेम में लिखा, दूसरा इसमें ये बात है कि हम जो बच्चे देख रहे हैं कि 1563, मैं कुछ देर कह रहा हूँ सबको हटा दो या सबको जोड़ दो, फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो उलट फेर हुआ है वो बहुत नीचे तक हुआ है, और आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, जो मैंने कैलकुलेशन करी थी 620 से 720 के बीच में, अगर हम 23 की बात करें 13,111 बच्चे, ज़्यादा से 15,000 होंगे, किसी 20,000 होंगे, 20,000 भी मान लूं मैं तो भी 38,000 बच्चे ज़्यादा कैसे हो गए, ये सब बच्चे वही हैं। 38,000 बच्चे एक साल में ज़्यादा कैसे हो गए? और अगर 38,000 बच्चे एक साल में ज्यादा हुए तो इसी ब्रैकेट में क्यों हुए, टोटल में क्यों नहीं हुए? क्योंकि जीएमसी की सीटें जो हैं, गवर्नमेंट की सीटें, वो टोटल 55,000 समथिंग है, और ये जो हुआ है घपला एंड ऑल, ये सारा हुआ है 58,000 स्टूडेंट्स के ही बीच में, ताकि वो जीएमसी की जो सीट है वो बच्चे वहां से। ये जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, वो बड़ा सवाल ये है कि जो 58,000 सीटें हैं ना सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटें, ये पूरा खेल वही हुआ, यानी कि फीस बहुत कम है सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, कौन क्या कर देता है, अब ये पूरा खेल अगर उन्हीं सीटों को लेकर हुआ है तो एनटीए क्या कर रहा है जनाब? सीबीआई क्यों नहीं आई है, ईडी क्यों नहीं आई है, तमाम ऐसी एजेंसियां क्यों नहीं आई है? क्योंकि अभी इन्होंने बताया कि हमको तो एनटीए पे भरोसा नहीं है, हम तो भविष्य में एग्जाम देना ही नहीं चाहते। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की
काउंसलिंग की अनुमति देना सही है, 30% ने कहा और 63% लोगों ने कहा ना, और 7% तो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। काउंसलिंग की बात की जा रही है, काउंसलिंग पे आप क्या कहेंगे? सर देखो, काउंसलिंग का सीधा सीधा सा हिसाब है कि अगर एक बार काउंसलिंग हुई, बच्चे ने फीस भरी, तो इस मुद्दे को ऐसे ही दबा दिया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। रीज़न, मैं एक पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे का सिलेक्शन है, मैंने फीस भर दी, इसके बाद मैं फीस पर भी क्लेम करूँगा। कितने केसेस लड़ेगी एनटीए या कितने केसेस लड़ेगी सरकार? और सरकार पता नहीं क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्टली, मुझे तो अब थोड़ा आशंका हो रही है कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर भी एक्सपर्ट्स को विचार करना पड़ेगा। ये जैसे जेई मेंस ऑनलाइन 7-7, 8-8 डेज में शिफ्ट्स में होता है, व्हाई नॉट फॉर नीट? जबकि नीट में पाए जाने वाले, अप्लाई होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 24 लाख है, जबकि जेई के अंदर ये 16 लाख है। ये ऐसा क्यों नहीं होता, इस पर विचार क्यों नहीं होता? एक खान साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, पैटर्न क्यों नहीं चेंज हुआ। इन्होंने कहा कि साहब एनटीए नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी एजेंसी होनी चाहिए। एक बड़ा एग्जाम है और पूरे देश में एक साथ कराना है, इसलिए ग्रेस मार्क रखा गया था, कहीं ना कहीं कुछ चीज हो सकती है। और अगर ऐसा है तो वहां का एग्जाम कैंसिल करा दिया जाए। ये ग्रेस मार्क का सिस्टम क्या है, ये जो शिफ्ट की बात की जा रही है जैसे जेई में होता, वो क्यों नहीं हो रहा है? और इस पर बवाल हो रहा है, देश में हंगामा चल रहा है, विद्यार्थी परिषद भी हंगामा कर रहा है, इसके साथ साथ एनएसयूआई भी कर रहा है, और तो और विपक्षी राजनीतिक पार्टी आ गई है। आपने मौका दे दिया तो राजनीति तो होगी ना, आप भी कहां छोड़ते हैं, चाहे बात इधर की हो या उधर की हो। तो ये तो राजनीति इस तरह की चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि उसके पैटर्न और एजेंसी, एजेंसी कोई सी भी हो, मेन तो उस एजेंसी का ईमानदार होना जरूरी है, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ पैसों का लेन देन हो, कुछ भी हो, इस तरह का प्रेशर ना हो उसके ऊपर, तो कोई भी एग्ज़ाम हो ठीक से कंडक्ट होगा। इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा सारी बातों के अंदर, अगर आप शुरुआत में जाएंगे, जब ये फॉर्म निकलते हैं तो आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि फॉर्म वो दोबारा निकले। अच्छा, इस बार ऐसा हुआ नीट में कि फॉर्म भरे गए, सब बंद हो गया, सब आराम से बैठ गए, सब लोग टाइम से भर देते हैं, सबको पता था नीट का फॉर्म निकल रहा है, भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के लिए फॉर्म निकाले गए कि जिसको भी भरना है, जो रह गया हो, 24 घंटे के अंदर भर दे। उन 24 घंटों में किन लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से कितने लोगों का रिजल्ट आया, मतलब दोबारा निकाल दिया और दोबारा निकालने का 24 घंटे में भरिया, भरिए, ओफो, दोबारा कराए गए और बहुत ज्यादा उसका ऐड भी नहीं किया गया। एक महीने बाद दोबारा से री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, जब डेट आइडेंटिफाई कर दी गई थी, नोटिफिकेशन आ गया था कि फलाना डेट से फलाना डेट तक रजिस्ट्रेशन होंगे। हाँ। उसके एक महीने बाद 24 घंटे के लिए विंडो खोली जाती है कि जो बच्चे नीट का फॉर्म भरने से रह गए हैं वो दोबारा अप्लाई। ये दुकान कौन सी थी जो दोबारा खोली गई? एक महीने के अंदर आता हूँ आपके पास, एक महीने के अंदर ये दुकान कौन सी थी? चारू जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। चारू जी, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई, फटकार लगाते हुए नीट से भी जवाब मांगा है, जवाब अब तक पहुंचा नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं, लोग ज्यादातर कह रहे हैं कि ये एग्जाम अब कैंसिल होना चाहिए, बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारी कमियां इसमें हो गई हैं। अगर एनटीए जांच भी कर रहा है तो उसने अपनी खुद की एक कमेटी बना, अब खुद की कमेटी में जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, वो खुद ही अपनी एक कमेटी बना देगा तो वो क्या करेगा? 1600 बच्चों की बात करके इस पूरे मामले को अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर तकनीकी पहलुओं पर देखा जाए तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे दो हिस्सों में मैं आपको जवाब दूंगी। पहले पार्ट में तो ये है कि ये पब्लिक एग्जाम है और जहां तक ग्रेस मार्क्स दिए हैं तो ये रॉ मार्क्स और ग्रेस मार्क्स दिए हैं विद द ओएमआर शीट की किस बच्चे ने कितनी बजे अपलोड करा है, ये हर बच्चे के लिए अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट, क्योंकि अगर पब्लिक एग्जाम है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर ये कह रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा है कि स्क्रूटनी होनी चाहिए एनटीए के लिए, तो उसके अंदर भी मतलब आप अपने ही चेयरमैन रख रहे हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है। यू शुड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि उसकी जाँच करे। तीसरा सवाल, जहाँ तक हमारा एग्जाम का पैटर्न हो गया है, आप अगर रीनीट की बात भी कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने नेक्स्ट ईयर के बैचेस शुरू कर दिए,
तो अगर ये बच्चे अब रीनीट के लिए भी तैयारी करना चाहेंगे तो उनके पास स्कोप ही नहीं है कि ये कहाँ से जाके तैयारी करेंगे। कहना बहुत आसान है कि साहब, कहना बहुत आसान है, लेकिन तन्मय हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है तन्मय, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, बताए। जी मैं कहना चाहूंगा कि एनटीए अपने आप को एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कहता है, बट ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ थी जब उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाया और फिर जब लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले तो ये पहले क्यों नहीं बताया था कि कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले, और ऐसा पिछले सालों में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसी साल सिर्फ टाइम लॉस हुआ है लोगों का, पिछले सालों से भी आता जा रहा होगा, लेकिन सिर्फ इसी साल ग्रेस मार्क्स क्यों दिए और इतने कम बच्चों को ही क्यों दिए? ये बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, लेकिन इन सबके बीच कई सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, पूरा देश, क्योंकि यहां तो संख्या कम है, पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। देश का मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो पहले था, जिसे अब शिक्षा विभाग कहा जाता है, शिक्षा विभाग के मंत्री साहब ने तो शपथ भी ले ली होगी, उनने अभी तक क्या कहा है? सरकार क्यों चुप है? हम कुवैत जा सकते हैं, अपने देश के लोगों की चिंता करते हैं, ज्यादा संख्या नहीं, लेकिन इस देश में 24 लाख बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अपने भविष्य पर वो सवाल पूछ रहे हैं, और अपने भविष्य पर सवाल पूछते हुए वो सरकार से कह रहे हैं कि हमारी बातों को कब सुना जाएगा, हमारी जो बातें हैं, हमारे मन में जो सवाल है, उन सवालों पर आखिर कब विचार किया जाएगा, और एनटीए ने जो कमेटी बनाई है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा, क्या उस पर भरोसा किया जाएगा? लेकिन इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा है, क्योंकि उसका फैसला आना बाकी है, और उम्मीद करते हैं कि वहां पर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख ना हो, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य सुनहरा है और इन्हें अपने भविष्य के लिए फिर से तैयारी करनी है, फिर से एग्जाम देना है, और वो एग्जाम कम से कम ऐसा ना हो जैसा ये। शुक्रिया करूंगा मैं आप सभी लोगों का जो आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, और उन जिक्र करते हुए हम आपकी आवाज को उठाते रहेंगे, सरकारों को जगाते रहेंगे, और इस मसले पर ये लाइन तय करके रहेंगे कि नीट क्या वाकई नीट एंड क्लीन है या फिर नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।